ये जगह इतना खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, और मैं खुशी से झूमने लगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस इज मी रेशमा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अपने घर से, यानी कि बरपेटा रोड से। अभी मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है तो मैं आ गई अपने घर वेकेशन को एंजॉय करने। तो सुबह उठते ही पी लिया मैंने गर्म पानी, उसके बाद जो मेरी मम्मी की मिनी गार्डन है उस गार्डन को देख रही थी। इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स आया है, एंड सुबह सुबह इस तरह से गार्डन को देखने से मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। एंड हाँ, मम्मी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। हमारे घर में एक मैंगो ट्री भी है जिसमें एवरी सीजन आम आता है, खाने में खट्टा मीठा है। ये जो मैंगो मैंने तोड़ा, ये खाने में ना एकदम स्वीट था, ये खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं था, एकदम ही स्वीट था। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर मैंने वार्डरोब से कपड़ा निकाला क्योंकि मुझे जाना है नहाने। ये वाला सेट बहुत ही पुराना है लेकिन अभी भी नया है क्योंकि मैंने इतना पहना ही नहीं। एंड अभी थोड़ा सा मुझे साफ़ सफाई की काम करनी है, मम्मी की हेल्प करनी है, उसके बाद मैं नहाऊंगी। चली आई मैं नहा कर, लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, उसके बाद करूँगी मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 हो चुका था तब तक। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तब तक कॉल आ चुका था कि स्वेल आया है, तो मैं एक्साइटेड होके जल्दी जल्दी बाहर चली आई उसको अंदर लाने के लिए, और देखा कि ही इज़ रिकॉर्डिंग मी। मुझे अगर पता होता कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं उसके लिए लंच के लिए वेट करती, बट मुझे पता ही नहीं था। वो घर के बिल्कुल सामने आके मुझे कॉल किया सरप्राइज़ देने के लिए, एंड ही इज़ हैविंग हिज लंच नाउ। उसके बाद हम दोनों जाएंगे मार्केट क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है। जाते वक्त हमें रास्ते में देखने को मिला एक घोड़ा गाड़ी जो कि बहुत दिनों के बाद मैंने देखा। एंड फिर हम रुके थोड़ा स्वेल के घर के सामने, यानी कि मेरी इन-लॉज के घर के सामने। यह है मेरी इन-लॉज की घर बाय द वे, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम था तो ये सारे काम निपटा कर फिर हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बाहर इतना अच्छा धूप था, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। विंटर में इस तरह से धूप में जाने से बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, किस किस को विंटर सीज़न बहुत पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड समर सीज़न किसको किसको पसंद है वो भी बताना। बाय द वे, मुझे समर सीज़न पसंद नहीं है। एंड जो जो हमारे ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर। ये है रेलवे क्रॉसिंग एरिया, एज यू कैन सी ये गेट मैक्सिमम ऑफ द टाइम बंद ही होता है जब भी हम लोगों को मार्केट जाना होता है, लेकिन आज थैंकफुली खोला था। और आगे जाके हम फिर फंसते हैं थोड़ा सा जाम में, एंड हमें कॉल आता है कि दी भी मार्केट पर है। दी यानी कि स्वेल का बड़ी बहन और मेरी सिस्टर इन लॉ। तो सबसे पहले हम दी से मिलेंगे, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। शी इज़ इन रेस्टोरेंट और वो अपना लंच ब्रेक पर यहाँ पे आए हैं। बाय द वे, शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, तो वो अपना क्लास करके अभी लंच ब्रेक पर यहाँ पे आए हैं लंच करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अभी दी से। द गर्ल हु इज़ वेयरिंग ब्लैक, शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, और उसके साथ उसके कलीग भी आए हुए हैं। हियर शी इज़ टेलिंग अस कि तुम दोनों भी लंच कर लो, खाना बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। पर हम दोनों ने ऑलरेडी लंच करके आए हैं घर से, पेट एकदम फुल है, तो मैंने बस एक चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर किया। बाय द वे, रेस्टोरेंट का नाम है बिग बाइट जो कि सिमलागुड़ी बरपेटा रोड में है, एंड काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है इंटीरियर यहाँ का। और बस पिया मैंने एक मिल्क शेक और यहाँ से चली गई हमारे जहाँ पे काम था वहाँ पे। ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं ना, ये बरपेटा रोड की जो अंदर का मार्केट एरिया है वो, और इसका इस जगह का नाम है चौधरी कम्प्लेक्स। शाम होते ही यहाँ पे सारा फास्ट फूड का दुकान बैठता है, और जब भी घर आती हूँ मैं यहाँ पे ही आती हूँ फास्ट फूड खाने के लिए क्योंकि बहुत अच्छा बनाता है फास्ट फूड यहाँ पे। एंड सामने वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट्स मार्केट भी है, और बहुत ही पुराना मार्केट है ये, बहुत पुराना। सामने दो मंदिर भी है राइट और लेफ्ट साइड में, एज यू कैन सी जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग ये है एक मंदिर, और ये लेफ्ट साइड का येल्लो बिल्डिंग ये है नाम घर। एंड नीचे वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट्स मार्केट सब कुछ यहाँ पे है। एंड आगे जाके ना कोइंसिडेंटली दी के साथ हम लोगों को फिर से मुलाकात हो जाता है।
दी और उसके कलीग टोटो के लिए वेट कर रहे थे एंड कोइंसिडेंटली हम मिलके फिर इन दोनों को बिठा लिया और अभी दी और उसके कलीग को कॉलेज छोड़कर हम जाएंगे घर। और फिर शाम होते ही हम फिर से निकल जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी नेचुरल जगह में। इतना पीसफुल था ये जगह, बहुत ही शांत था एंड सिर्फ दो लड़की थे यहाँ पे। एंड जब वापस हम आ रहे थे तो इन दोनों ने इतना क्यूटली बाय किया हमें एंड बोला कि दी अब फिर से आएगा यहाँ पे। आते वक्त रास्ते में मैंने खाया पुचका, स्पेशल पुचका मैंने खाया और बहुत ही टेस्टी था ये पुचका खाने में। वापस घर आते ही मैंने देखा कि मेरे नाम से दो पार्सल आए हैं जिसमें था दो सिया सीड्स और तीन फ्लैक्स सीड्स। सीड्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा था एंड बाय द वे सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। रात को डिनर के बाद मैंने एक पुराना मूवी देखा जिसका नाम है दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता देखते देखते बहुत रात हो गई और मैं सो गई। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट कमिंग योर वे। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय।